नमस्कार दोस्तों, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 38 वर्षीय सैनिक राकेश कुमार का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। बुधवार सुबह पैतरे गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। जानकारी के अनुसार राकेश कुमार उपमंडल बंडसार की ग्राम पंचायत झंझड़िया के गाँव मालेहंडा से संबंधित रखने वाले थे। पंजाब रेजिमेंट के राकेश कुमार कारगिल में अपनी सेवाएं दे रहे थे तथा अभी लगभग एक महीने पहले ही छुट्टी काटने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जे एंड गए थे। वह अचानक बीमार पड़ जाने के वजह से उनका देहांत हो गया। जवान की पार्थिव देह लेह से चंडीगढ़ होते हुए ऊना पहुंची। वहां रात को रुकने के बाद उनकी पार्थिव देह बुधवार सुबह 8 बजे उनके पैतृक गाँव पहुंची, जहां पर सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान साथ आई सेना की टुकड़ी ने उन्हें सलामी देकर अपने सैनिक साथी को अंतिम विदाई दी। जवान अपने पीछे 2 बच्चे और पत्नी को छोड़ गए हैं। उनके पिता HRTC में सेवाएं देने के बाद सेवानियुक्त हो चुके हैं। जवान को अंतिम विदाई देने के दौरान SDM बंसार शिशिपाल शर्मा, विधायक इंदिरा दत्त लखनपाल और कई गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर वीर जवान को अंतिम विदाई दी। विधायक लखनपाल ने बताया कि राकेश कुमार के निधन से पूरा क्षेत्र गमगीन है। मृतक के परिजनों को 5 लाख की राहत राशि प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदान की गई। वहीं SDM बंसार शिशिपाल शर्मा का कहना है कि जवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी राकेश कुमार जी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।